नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। कामायनी, जयशंकर प्रसाद के लिखित कविता कामायनी। कामायनी का जो शीर्षक है पार्ट 3 के तहत ईड़ा। ईड़ा का आज हम अध्ययन करेंगे। TGT PGT हिंदी जहाँ कहीं भी आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। विशेषकर यह जो हम बता रहे हैं वह नेट के सिलेबस में है, इसलिए नेट और JRF के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे सभी एग्जाम में आता है, पूछ लिया जाएगा कि यह लाइन या कविता किसकी है। कहीं से भी 2-3 लाइन उठा के दे देगा, 2-4 लाइन, तो वहाँ से फंस सकते हैं। इसलिए हमें पढ़ना है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यह जयशंकर प्रसाद की है, फिर यह पता होना चाहिए कि यह कामायनी की है, फिर उसके अंदर यह पता होना चाहिए कि यह ईड़ा की है, ईड़ा नामक शीर्षक से। तो आजकल डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यह आपको देखना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, और एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ना होगा। और एक बात और, 8 बार आप पढ़ लेते हैं तो आपके खून में उतर जाएगा और वह कभी नहीं भूलेगा। कभी नहीं का मतलब जल्दी नहीं भूलेगा। जल्दी नहीं का मतलब कि जब तक आपको ज़रूरत है आप स्टडी करेंगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल ना, तो इतना उस समय तक नहीं भूलेगा जब तक आपका काम चल जाएगा। मतलब फिर स्टडी हमेशा जीवन भर तो करना नहीं है। जब तक आप कंपटीशन में है, तैयारी कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं, तब तक आप नहीं भूलेंगे, एटलीस्ट 10-15 साल तक। या फिर हो सकता है कभी कहना नहीं चाहिए ना कि या कभी नहीं भूलेंगे, ये तो बहुत ज़्यादती हो गई। मतलब आपके जीवन भर याद रखने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और कम से कम जब तक पढ़ेंगे तब तक तो नहीं भूलेंगे। 10-15 साल, 8 बार पढ़ लिए तब। किस गहन गुहा से अति अधीर झंझा प्रवाह सा निकला, यह जीवन विक्षिप्त महासमीर ले सात विकल परमाणु पुंज। नभ अनिल अनल भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन प्राणी कटता को बाँट रहा। जगती को करता अधिक दिन निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता। संघर्ष कर रहा सा सबसे सबसे विराग सब पर ममता अस्तित्व चिरंतन धनु से कब। यह छूट पड़ा है विषम तीर किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर। जो अचल हिमानी से रंजित देखे मैंने वे शैल श्रृंग अपने जड़ गौरव के प्रतीक उन्मुक्त उपेक्षा भरे तुंग। वसुधा का कर अभिमान भंग अपनी समाधि में रहे सुखी बह जाती है नदियां अबोध कुछ स्वेद बिंदु उसको लेकर। वह स्मित नयन गत शोक क्रोध स्थित मुक्ति प्रतिष्ठा में वैसी चाहता नहीं शिवन की। मैं तो अबाध गति मरुत सदृश ऊँचा रहा अपने मन की जो चूम चला जाता जग अगजग प्रतिपग में कंपन की तरंग वह ज्वलनशील गतिमय पतंग। अपनी ज्वाला से कर प्रकाश जब छोड़ चला आया सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास। वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास पागल में किस पर सदै रहा। क्यों मैंने ममता ली न तोड़ किस पर उदारता से रिझा किसने न लगा दी कड़ी होड़। इस विजन प्रांत में बिलख रही मेरी पुकार उत्तर न मिला लूसा झुलसाता दौड़ रहा कब मुझसे कोई फूल खिला। मैं स्वप्न देखता हूँ उजड़ा कल्पना लोक में कर निवास देख कब मैंने कुसुम हास इस दुखमय जीवन का प्रकाश। नवनील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश कलियां जिनको मैं समझ रहा वे कांटे बिखरे आसपास कितना बिहड़ पर चला और पड़ रहा कहीं थककर नितांत उन्मुख शिखर हंसते मुझ पर। जीवन निशीत के अंधकार तू घूम रहा अभिलाषा के नव ज्वलन धूम सा दुर्निवार जिसमें अपूर्ण लालसा कसक चिंगारी से उड़ती पुकार। यवन मधुवन की कालिंदी बह रही चूम कर सब दिगंत दिंगत मन शिशु की क्रीड़ा नौकाएं बस दौड़ लगाती हैं अनंत। कहूँ किनी अपलक दृग के अंजन हस्ती तुझ में सुंदर छलना धूम रेखाओं से सजीव धूम रेखाओं से सजीव कुछ गड़बड़ हुआ क्या। उन्मुक्त शिखर हंसते मुझ पर। फिर इसके बाद यहाँ से सॉरी थोड़ी सी हमसे गलती हुई। देखिए वे कांटे बिखरे आसपास कितना बिहड़ पर चला पड़ रहा कहाँ कहीं थककर नितांत उन्मुक्त शिखर हंसते मुझ पर। रोता मैं निर्वासित अशांत इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही खोखली शून्यता में प्रतिपद असफलता अधिक कुलाच रही पावस रजनी में जुगनुगढ़ को दौड़ पकड़ता मैं निराश उन ज्योति कड़ों का कर विनाश। जीवन निशीत के अंधकार तू नील तू ही न जल निधि बनकर फैला है कितना वार पार कितनी चेतनता की किरणें हैं डूब रही है निर्विकार कितना मादकतम निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग तू मूर्तिमान हो छिप जाता प्रतिबल के परिवर्तन अनंग ममता के छेर अरुण खेलती है तुझ में ज्योति कला जैसी सुहागनी की उर्मी ललकों में कुमकुम चूर्ण भला रे चेर निवास विश्राम प्राण के मोह जल छया उदार माया रानी के केस बार।
जीवन निशीथ के अंधकार तू घूम रहा, अभिलाषा के नवजुलन धूम साधुन डिमार जिसमें अपूर्ण लाल सा कसक, चिनगारी से उठती पुकार यमन मधुवन की काल हिंदी बह रही चूम कर सब दिगंत, मन शिशु की क्रीड़ा नौकाएं बस दौड़ लगाती हैं अनंत, कुहू किनी अपलक दृक के अंजन हस्ती तुझमें सुंदर छलना, धूमिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों की नौकलना, इस चीर प्रवास श्यामल पथ में छाया पीक प्राणों की पुकार, बन नील प्रतिध्वनि नभ अपार उजड़ा सुना नगर प्रांत जिसमें सुख दुख की परिभाषा, विध्वस्त शिल्प सी हो नितान निज विकृत वक्र रेखाओं से प्राणी का भाग्य बनी अशांत, कितनी सुखमय स्मृतियाँ अपूर्णा रुचि बन कर मंडराती विकिरण, इन ढेरों में दुख भरी कुरीचि दब रही अभी बन पात्र जीर्ण, आती दुलार को हिचकी सी सोने कोनों में कसक भरी ईड़ा है ईड़ा ना, इस सूखर तरु पर मनोवृत्ति आकाश बेली सी रही हरी, जीवन समाधि के खंडहर पर जो जल उठते दीपक अशांत, फिर बुझ जाते हुए स्वयं शांत, यो सोच रहे मनु पड़े श्रांत, श्रद्धा का सुख साधन निवास जब छोड़ चले आए प्रशांत, पथपथ में भटक अटकते हुए आए इस उजड़ नगर प्रांत, बहती सरस्वती वेग भरी निस्तब्ध हो रही निशा श्याम, नक्षत्र निखरते निर्मिमेश मसुधा को वह गति विकल वाम, विद्रग्नि का वह जनाकिरण उपकुल आज कितना सूना, देवेश इंद्र की विजय कथा की स्मृति देती थी दुख दूना, वह पावन सारस्वत प्रदेश दुस्वप्न देखता पड़ा क्लांत, फैलाता चारों ओर ध्वांत, जीवन का लेकर नव विचार जब चला द्वंद्व सा असुरों में प्राणों की पूजा का प्रचार, उस ओर आत्मविश्वास निरस सुरवर कह रहा था पुकार, मैं स्वयं सतत आराध्य आत्म मंगल उपासना में विभोर, उल्लासशीलता में शक्ति केंद्र किसकी खोजू, फिर शरण और उन्नाद उच्छलित शक्ति स्रोत, जीवन विकास वैचित्र भरा अपना नव निर्माण किए रखता यह विश्व सदैव रहा, प्राणों के सुख साधन में ही संलग्न असुर करते सुधार, नियमों में बदते दूर निवार था एक पूजता देह दीन, दूसरा अपूर्ण अहमता में अपने को समझ रहा प्रवीण, दोनों का अर्थ था दूर निवार दोनों ही थे विश्वासहीन, फिर क्यों न तर्क को शास्त्रों से वे सिद्ध करे, क्यों ही न युद्ध उनका संघर्ष चला अशांत, विभाव रहे अब तक विरुद्ध बंजुए ममत्व मैं आत्ममोह स्वातंत्र मई उच्छृंखलता हो, प्रलय भीत तनरक्षा में पूजन करने की व्याकुलता, व पूर्व द्वंद्व परिवर्तित हो मुझको बना रहा अधिक दिन, सचमुच मैं हूँ श्रद्धा विहीन, मनु तुम श्रद्धा को गए बोल, उस पूर्ण आत्मविश्वास मई को उड़ा दिया था समझ तूल, तुमने तो समझा असत विश्व जीवन धागे में रहा झूल, जो क्षण बीते सुख साधन में उनको ही वास्तव लिया मान, वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी या उल्टी मति का व्यर्थ ज्ञान, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, कई बार पूछा गया ऑनलाइन, कुछ सत्ता है नारी की समरसता है संबंध बनी, मतलब यह उल्टी मति का व्यर्थ ज्ञान, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की समरसता है संबंध बनी, अधिकार और अधिकारी की जब गूंजी है वाणी तीखी कंपित करती अंबर अकुल, मनु को जैसे चुप गया सुल, मनु और श्रद्धा की कहानी इसमें है ना कामायनी में, या कौन अरे वही काम जिसने इस भ्रम में है डाला छीना, जीवन का सुख विराम प्रत्यक्ष लगा होने अतीत, जिन घड़ियों का अवशेष नाम वरदान आज उस गति उक्का कंपित करता है अंतरंग, अभिशाप ताप की ज्वाला से जल रहा आज मन और अंग, बोले मनु क्या भ्रांत साधना में ही अब तक लगा रहा, क्या तुमने श्रद्धा को पाने के लिए नहीं स्नेह सस्नेह कहा, पाया तो उसने भी मुझको दे दिया हृदय निज अमृत धाम, फिर क्यों ना हुआ मैं पूर्ण काम, मनु उसने तो कर दिया दान, वह हृदय प्रणय से पूर्ण सरल जिसमें जीवन का भरा मान, जिसमें चेतना ही केवल निशान प्रभा से ज्योतिमान, पर तुमने तो पाया सदैव उसकी सुंदर जड़ देह मात्र, सौंदर्य जल्दी से भर लाए केवल तुम अपना गरल पात, तुम अति अबोध अपनी अपूर्णता को न स्वयं तुम समझ सके, परिणय जिसको पूरा करता उससे तुम अपने आप रुके, कुछ मेरा हो यह राग भाव संकुचित पूर्णता है अजान, मानस जलनिधि का क्षुद्रयान, हाँ अब तुम बनने को स्वतंत्र सब कलुष ढालकर और ऊपर रखते हो अपना अलग तंत्र, द्वंद्वों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता, वह एक मंत्र डाली में कंटक संग कुसुम खिलते मिलते भी हैं नवीन, अपनी रुचि से तुम विधे हुए जिसको चाह ले रहे बिन, तुमने तो प्राणमयी ज्वाला का प्रणय प्रकाश न ग्रहण किया, हाँ जलन वासना को जीवन भ्रमतम में पहला स्थान दिया, अभिकल प्रवर्तन हो ऐसा जो नियति चक्र का बने यंत्र हो, साफ भरा हुआ प्रजातंत्र
यह अभिनव अमानव प्रयास सृष्टि द्वैमत्ता में लगे निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि, अनजान समस्याएं घटते रचती हो अपनी विनिष्टि, कुलाहल कला अनंत चले एकता नष्ट हो बढ़े भेद, अभिलषित वस्तु तो दूर रहे हाँ मिले अनिच्छित दुखद भेद, खेद हृदयों का हो आवरण सदा अपने वक्षस्थल की जड़ता पहचान सकेंगे नहीं परस्पर चले विश्व गिरता पड़ता, सब कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा तुष्टि दुख देगी, यह संकुचित दृष्टि अनवरत उठे कितनी उमंग चुंबित हो, आंसू जलधर से अभिलाषाओं के शैल श्रृंग जीवन नद हाहाकार भरा हो, उठती पीड़ा की तरंग लालसा भरे, यमन के दिन पतझड़ से सूखे जाए, बीत संदेह नए उत्पन्न रहे उनसे संतप्त सदा सभी, फैलेगा स्वजनों का विरोध बनकर तम वाली श्याम अमा दारिद्र दलित बिलखाती हो, यह से श्यामला प्रकृति रमा दुख नीरद में बन इंद्रधनुष बदले नर कितने नए रंग, बंतिश नाजवाला का पतंग व प्रेम न रह जाए, पुनीत अपने स्वार्थ से आवृत हो मंगल रस सकुचे सभीत, सारी संस्कृति हो बिरह भरी गाते ही बीते करुणा गीत, आकांक्षा जलनिधि की सीमा हो क्षितिज निराशा सदा रक्त, तुम राग विराग करो सबसे अपने को कर सतसा विभक्त, मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध दोनों में हो सद्भाव नहीं, वह चलने को जब कहें कहीं तब हृदय विकल जल जाए कहीं, रुकर बीते सब वर्तमान क्षण सुंदर अपना हो, अतीत पेंगों में झूले हार जीत संकुचित असीम अमोघ शक्ति, जीवन को बाधा में पथ पर ले चले मैं से भरी भक्ति, या कभी अपूर्ण अहमता में राग मई सी महाशक्ति, व्यापकता नियति प्रेरणा बन अपनी सीमा में रहे बन, सर्वज्ञ ज्ञान का क्षुद्र अंश विद्या बनकर कुछ रचे चंद, कर्तृत्व सकल बनकर आवे न स्वर छाया से ललित कला, नित्यता विभाजित हो पल पल में काल निरंतर चले ढला, तुम समझ न सको बुराई से शुभ इच्छा की है बड़ी शक्ति, हो विखल हो विफल तर्क से भरी युक्ति, जीवन सारा बन जाए युद्ध उस रक्त अग्नि की वर्षा में, बह जाए सभी जो भाव शुद्ध अपनी शंकाओं से व्याकुल, तुम अपने ही होकर विरुद्ध अपने को आवृत किए रहो, दिखलाओ निज कृत्रिम स्वरूप वसुधा के समतल पर उन्नत, चलता फिरता दम्भ स्तूप श्रद्धा इस संस्कृति की रहस्य व्यापक विशुद्ध विश्वास मई सब कुछ देकर नवनिधि अपनी, तुमसे ही तो वह छली गई हो वर्तमान से वंचित, तुम अपने भविष्य में रहो रुद्र सारा प्रपंच ही हो अशुद्ध, तुम जरा मरण में चीर आसान जिसको अब तक समझे थे सब जीवन परिवर्तन, अनंत अमृत वहीं भूलेगा तुम व्याकुल उसको कहो अंत, दुखमय चीर चिरंतन दुखमय चीर चिंतन के प्रतीक श्रद्धा वंचक बनकर अधीर मानव संतति ग्रह रस मिरज जुसे, भाग्य बाद पीठे लकीर कल्याण भूमि यह लोक यहीं श्रद्धा रहस्य जाने न प्रजा, अतिचारी मिथ्या मान इसे पर लोक वंचना से भरा जा, आशाओं में अपने निराश निज बुद्धि विभव से रहे भ्रांत, व चलता रहे सदैव श्रांत अभिशाप प्रतिध्वनि हुई लीन, नव सागर के स्थल में छिपे जैसे सब जाता महामीन, मृदु मरुत लहर में फेनोपम तारागढ़ झिलमिल हुए दिन, निस्तब्ध मौन था अखिल लोक तंद्रालस था, व विजन प्रांत रजनीतम पूंजीभूत सदृश मनुश्वास ले रहे थे अशांत, वे सोच रहे थे आज वही मेरा अदृष्ट बनकर फिर आया, जिसने डाली थी जीवन भर पहले अपनी काली छाया, लिख दिया आज उसने भविष्य यातना चलेगी अंतहीन, अब तो अवशिष्ट उपाय भी न करती सरस्वती मधुर नाद बहती थी श्यामल घाटी में, निर्लिप्त भाव सी अप्रमाद सब उपल उपेक्षित पड़े रहे जैसे वे निष्ठुर जड़ विषाद, वह थी प्रसन्नता की धारा जिसमें था केवल मधुर गान, थी कर्म निरंतरता प्रतीक चलता था स्ववश अनंत ज्ञान, हिम शीतल लहरों का रह रहा कूलों से टकराते जाना, आलोक अरुण किरणों का उन पर अपनी छाया बिखराना अद्भुत था, निज निर्मित पथ का वह पथिक चल रहा निर्विवाद कहता जाता कुछ सुसंवाद, प्राचीन में फैला मधुर राग जिसके मंडल में एक कमल खिल उठा सुनहला भरा पराग, जिसके परिमल से बाकुल हो श्यामल कलरव सब उठे जाग, आलोक रश्मि से बुने उषा आंचल में आंदोलन अमन करता प्रभात का मधुर पवन, सब ओर बितरने को मरंद उस रम्य फलक पर नवल चित्र सी प्रकट हुई सुंदर वाला वह नयन महोत्सव की प्रतीक, अम्लान नलिन की वह नवमाला सुषमा का मंडल सुस्मिता बिखरता संस्कृति पर सुराग, सोया जीवन का तम विराग यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृशता स्पष्ट भाल, दो पद्म पलाश चषक से दृग देते अनुराग विराग ढाल।
गुंजरित मधुप से मुकुल सदेश वह आनंद जिसमें भरा गान वक्ष स्थल पर एकत्र धरे संस्कृति के सब विज्ञान ज्ञान था। एक हाथ में कर्म कलश वधुदा जीवन रसार लिए दूसरा विचारों के नपको था मधुर अभय अवलंब दिए त्रिवली थे त्रिगुण तरंगमय आलोक वसन लिपटा अराल चरणों में थी गति भरी ताल नीरव थे प्राणों की पुकार मूर्छित जीवन संदेह निस्तरंग निहार गिर रहा था पर निस्तब्ध अलस बनकर सोई चलती न रही चंचल बयार पीता मन मुकुलित कुंज आप अपनी मधुबूदे मधुर मौन निस्वन तिंगत में रहे रुद सहसा बोले मनु अरे कौन आलोकमय स्मृति चेतना आई है हेमवती छाया तंदा के स्वप्न तिरोहित थे बिखरी केवल उजली माया वह स्पर्श दुलार पुलक से भर बीते युग को उड़ता पुकार बीचिया नाचती बार बार प्रतिभा प्रसन्न मुख सहज खोल वह बोली मैं हूँ ईड़ा कहो तुम कहो यहाँ पर रहे ढोल नासिका नुकीली के पतले पुट फरक रहे कर स्मित अमोल मनु मेरा नाम सुनो बोले मैं विश्व के पथिक सराहा कलेश स्वागत पर देख रहे हो तुम यह उजड़ा सारस्वत प्रदेश भाती हलचल से यह चंचल हो उठा देसी था मेरा इसमें अब तक हूँ पड़ी इस आशा से आए दिन मेरा मैं तो आया हूँ देवी बता दो जीवन का क्या सहज मोल भव के भविष्य का द्वार खोल इस विश्व कुहर में इंद्रजाल जिसने रचकर फैलाया है ग्रह तारा विद्युत नखल नखतमाल सागर की भीषणतम तरंग सा खेल रहा वह महाकाल तब क्या इस वधुदा के लघु लघु प्राणों को करने को सभी उस निष्ठुर की रचना कठोर केवल विनाश की रहे जीत तब मूर्ख आज तक क्यों समझे हैं सृष्टि उसे जो नाशमय उसका अधिपति होगा कोई जिस तक दुख की न पुकार गई सुख नीड़ों को घेरे रहता अविरत विषाद का चक्रवाल किसने यह पट है दिया डाल शनि का सुदूर व नील लोक जिसकी छाया फैला है ऊपर नीचे यह गगन शोक उसके भी परे सुना जाता है कोई प्रकाश का महाओक व एक किरण अपनी देकर मेरी स्वतंत्रता में सहाय क्या बन सकता है नीति जाल से मुक्तिदान का कर उपाय कोई भी हो क्या बोले पागल बन नर निर्भर न करे अपनी दुर्बलता बल संभाल गंतव्य मार्ग पर पैर धरे मत कर पसार निज पैरों चल चलने को जिसको रहे झोंक उसको कब कोई सके रोक हाँ तुम ही हो अपने सहाय जो बुद्धि को कहे जो बुद्धि कहे उसको न मान कर फिर उस किसकी नर शरण जाए जितने विचार संस्कार रहे उनका न दूसरा है उपाय यह प्रकृति परम प्रमणी अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन कर मलिन सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता तुम ही इसके निर्णायक हो कहीं विषमता या समता तुम जड़ा को चैतन्य करो विज्ञान सह साधन उपाय यह सखिल लोक में रहे छाय हस पड़ा गगन व शून्य लोक जिसके भीतर बसकर उजड़े कितने ही जीवन मरण शोक कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह को ले लिया भार अपने सिर पे मनु ने यह अपना विषम आज हस पड़ी उषा प्राचीन नभ में देखे नर अपना राजकाज चल पड़ी देखने वह कौतुक चंचल मलयाचल की बाला लख लाली प्रकृति कपोलों में गिरता तारा दल मतवाला उन्निद्र कमल कानन में होती थी मधुपों की नोक झोंक वसुधा विस्मृत थी सकल शोक जीवन निशीत का अंधकार भगरहा छित के अंचल में मुख आवृत कर तुमको निहार तुम ईड़े ऊषा सी आज यहाँ आई हो बन कितनी उदार कलरव कर जाग पड़े मेरे मनोभाव सोए विहंग हस्ती प्रसन्नता चाव भरी बनकर किरणों के सी तरंग अवलंब छोड़कर और का जब बुद्धिवाद को अपनाया मैं बड़ा सहज तो स्वयं बुद्धि को मानो आज यहाँ पाया मेरे विकल्प संकल्प बने जीवन ही कर्मों की पुकार सुख साधन का हो खुला द्वार। इस प्रकार से ईड़ा समाप्त हुई और ईड़ा को आपने यहाँ पे देखा कामायनी में। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और लाइक कीजिए और न केवल लाइक कीजिए बल्कि देखने के बाद तो आप लोग लाइक कर भी देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ लेकिन कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव शिकायत भेजते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।